बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एंड टेस्ट स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज केपी पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का पेपर जो हो चुका है, आज यानी आज 27 तारीख है, 27 को आज ये पेपर हो चुका है, तो उसी पेपर को हल कर लेते हैं। सबसे पहले इंग्लिश के एमसीक्यूज को पार्ट नंबर 1 में अपलोड कर लेते हैं, बाकी पेपर को बाद में करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो चलते हैं पेपर की तरफ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, दिस इज द पेपर। ये आज का पेपर है, देखिए दिस 27/2/2023 ASDEOs और ADEOs दोनों के लिए था दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखे, इंग्लिश का पहला क्वेश्चन काफी कंफ्यूज क्वेश्चन है। ही डिफर्ड इन दिस मैटर, यहां पर प्रीपोजिशन ऑलरेडी लगा हुआ है इन, लेकिन ये मैटर करता है इसके साथ। अब डिफर के साथ जब दो बंदे आपस में डिसएग्री हो, ठीक है, तो विद लगता है, ही डिफर्ड विद इन दिस मैटर। क्वेश्चन नंबर 2 देखे, द पेशेंट वॉज केवल्ड डेंगी। यहां काफी दोस्तों ने फ्रॉम लगाया होगा, लेकिन एक्चुअली यहां ऑप्शन बी लगता है, द पेशेंट वॉज केवल्ड ऑफ डेंगी, द पेशेंट वॉज केवल्ड ऑफ डेंगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखे, रेगुलर हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस, टू लगेगा, रेगुलर हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस, ऑप्शन बी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखे, 4 नंबर क्वेश्चन को, दोज हु ट्रस्ट इन अल्लाह, दोज हु ट्रस्ट इन अल्लाह, ऑप्शन ए लगेगा, दोज हु ट्रस्ट इन अल्लाह एंड डू नॉट एंड डू द राइट नेवर फील आइसोलेटेड। क्वेश्चन नंबर 5 देखे, 5 नंबर क्वेश्चन को, डिस्पाइट हैविंग बीन वॉन्ड अगेंस्ट, ऑप्शन डी लगेगा, डिस्पाइट बीइंग वॉन्ड अगेंस्ट द पिक पॉकेट्स ही लॉस्ट हिज मनी। क्वेश्चन नंबर 6 देखे, चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही नेवर लिसन्स मी, ही नेवर लिसन टू मी, ही नेवर लिसन्स टू मी, ऑप्शन सी लगेगा, ही नेवर लिसन्स टू मी। और क्वेश्चन नंबर 7 देखे, 7 नंबर क्वेश्चन को, सेलेक्ट द करेक्ट पैसियो, दे फॉरबिड द सेल ऑफ अल्कोहल इन दिस स्टेट, सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, फॉरबिड मना करना, दे फॉरबिड द सेल ऑफ अल्कोहल इन दिस स्टेट, तो जब प्रेजेंट में है तो ऑप्शन देखे, द सेल ऑफ अल्कोहल इज फॉरबिडन, इज फॉरबिडन इन दिस स्टेट, ऑप्शन ए लगेगा इसमें। एंड क्वेश्चन नंबर 8 देखे, 8 नंबर क्वेश्चन को, द म्युनिसिपैलिटी प्रोहिबिट्स पार्किंग ऑन द मेन रोड, यहां पार्किंग जो है ना, ये जरंड है, वर्ब नहीं है,
इसमें मेन वर्ब जो है वो प्रोहिबिट्स है। तो ये सेंटेंस भी प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में है। तो इसमें आएगा दोस्तों करेक्ट ऑप्शन, इसमें आएगा देखे जरा, ये बनेगा कि पार्किंग ऑन द मेन रोड इज प्रोहिबिटेड बाय द म्यूनिसिपैलिटी। पार्किंग ऑन द मेन रोड इज प्रोहिबिटेड बाय द म्यूनिसिपैलिटी। अब देखिए पार्किंग ऑन द मेन रोड वाज नहीं लगेगा क्योंकि प्रेजेंट है। पार्किंग ऑन द मेन रोड इज बीइंग, ये भी नहीं लगेगा। पार्किंग ऑन द मेन रोड हैज बीन, नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो गया, पार्किंग ऑन द मेन रोड इज प्रोहिबिटेड बाय द म्यूनिसिपैलिटी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन को। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस। ही सेज इट विल प्रोबेबली बी ऑल राइट। यहां देखिए ये जो स्पीच है ये प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगी टेंस के लिहाज से, याद रखें दोस्तों, ठीक है। तो ये बनेगा कि ही सेज दैट इट विल प्रोबेबली बी ऑल राइट। He says that option B लगेगा इसमें। He says that it will probably be all right. Option B is the correct option. Question number 10 देखिए, इसमें English के सिर्फ 10 questions हैं। तो आखिरी question देखिए English का। They said the earth goes around the sun. And this is universal truth. The earth goes around the sun. ये क्या है? Universal truth है. तो direct indirect में universal truth में किसी किस्म की तब्दीली नहीं आएगी. तो क्या लगेगा? They said that the earth goes around the sun. Option B. They said that the earth goes around the sun. Option B correct option है। तो ये तो दोस्तों इस पेपर का पार्ट नंबर 1, बाकी पार्ट भी जल्दी अपलोड करने वाला हूं। लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।